अगर किसी ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेर फेर किया तो वह डॉक्टर भी जेल में जाएगा। पुलिस की लापरवाही नहीं है, पुलिस की सोची समझी जनता पर दमन चलाने की प्रक्रिया के तहत ये घटनाएं घटी हैं। कटिहार में एक शराब तस्कर की गिरफ्तारी के बाद हाजत में हुई मौत पर अब सियासत तेज हो गई है। यह मामला अब गर्माता जा रहा है। इस मामले के बीच मृतक के आमडोल गांव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, प्राणपुर विधायक निशा सिंह व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचे, जहां पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल के नेतृत्व में गांव में चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में गांव के हजारों लोग पीड़ित के परिजनों के साथ उनके घर पहुंचे। वहीं इस चौपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। इसकी मौत को लेकर मृतक के परिजनों के पास पुलिसिया थर्ड डिग्री के साक्ष्य है। हत्या किया गया है, वह एक देसी चिकित्सक था और अपना देसी चिकित्सा का काम करता था। 12 बजे दिन से 24 घंटे रख करके और उसका पूरे पीठ पर वीडियो में है कि पीठ पर पूरे दाग के निशान है। डॉक्टरों को भी चेतावनी देता हूं कि वो सारे सबूत मौजूद हैं, अगर किसी ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेर फेर किया तो वह डॉक्टर भी जेल में जाएगा। कस्टडी में डेथ हुआ है, कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा इस परिवार को दिलवाया जाए और इसके साथ ही जो जो पुलिस वाले हत्यारे हैं उन सब पुलिस वालों को पहले गिरफ्तारी हो, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करिए पुलिस, और हत्यारे पुलिस वाले आराम से बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने थाने में हत्या नहीं की होती तो यह घटना ही नहीं घटती। वहीं मृतक प्रमोद सिंह की पत्नी शिपल्ली देवी ने कहा कि शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार करके उसके पति को पुलिस घर से ले गई, फिर हाजत में उसे पीट पीट कर मार डाला। वहीं दूसरी ओर माले विधायक महबूब आलम मृतक प्रमोद कुमार सिंह के घर पहुंचकर मृतक के परिजनों से मिले। उन्होंने सरकार के प्रशासनिक महकमे को आड़े हाथों लिया और कहा कि संदेह के घेरे में खड़े पुलिस महकमे पर कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा भी मिलना चाहिए। पुलिस की सोची समझी जनता पर दमन चलाने की प्रक्रिया के तहत ये घटनाएं घटी हैं। दोनों घटनाएं में दो दो लड़कों की मौत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्पण लाइव टीवी समाचार, कटिहार।